हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग और जावा का मिक्सअप है। यानी कि हम ये जानेंगे कि डेटा टाइप कौन सा है, ये कैसे पता करें, क्या करंट प्रूफ है कि ये यही वाला डेटा टाइप है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये कैसे पता करें हम। तो चलिए आइए, ब्लूजे को ओपन करता हूं। ये कोडिंग मैंने ब्लूजे के ऊपर की है। आपके पास अगर इंटेलिजेंट आइडिया है तब तो और अच्छी बात है। यहाँ पर कोडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी कोडिंग है, कुछ इस तरीके से हमने लिखा है। पहले इंपोर्ट करवाया है java.util और फिर यहाँ पर एक क्लास बनाया है चेक डाटा टाइप एग्जांपल के नाम से। और फिर यहाँ पर ये सारी कोडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसे कंपाइल करवाऊंगा। तो ये देखिए, अगर कोई एरर नहीं है तो ये क्लास कंपाइल्ड हो गया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन करवाना है। तो यहाँ पर आकर के राइट क्लिक करके एक बार इसको रन करवा लेते हैं। तो ये करवाया रन हमने। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो यहां पर ये देखिए, ये लिखा हुआ रहा है एंटर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू हमें यहां पे एंटर करनी है। तो चलिए मैं यहां पर अपना नाम टाइप करता हूं इस तरीके से। तो ये नाम हमने टाइप किया, नीचे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, एंटर किया हमने। अब कह रहा है कि इंटीजर वैल्यू टाइप कीजिए, जो भी इंटीजर आप जानते हैं। तो यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू मैंने 45 टाइप कर दिया। फिर कह रहा है कैरेक्टर वैल्यू टाइप कीजिए, तो यहाँ पे मैंने ए टाइप कर दिया। अब यहां पर ये देखेंगे, ये बता रहा है 45 कौन सा है, इंटीजर है। ये क्या है, एक कैरेक्टर है, और सूरज क्या है, एक स्ट्रिंग है। सेट ऑफ कैरेक्टर एक स्ट्रिंग होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। यही चीज अगर पाइथन पे करनी हो तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर आ गए, यहां पर देख सकते हैं ये लिखा मैंने राम। राम एक नाम है, यानी कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये चीज पाइथन पर इसे मैंने .py data.py के नाम से सेव किया। यहां से इसको डायरेक्टली रन करवाता हूं। तो यहां पर क्लास क्या दिखा रहा है, str, यानी स्ट्रिंग टाइप का क्लास ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये हटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं हटा देता हूं और यहां पर 55.6 टाइप कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा 55.6 टाइप किया और एंटर करता हूं, तो यहां पर क्लास फ्लोट दिखाएगा, क्योंकि ये पॉइंट में हो गई वैल्यू। तो एक फ्लोट डेटा टाइप भी होता है जो कि पॉइंट में हमें वैल्यू इसको बताता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, यहां पर सिर्फ 55 रखता हूं, ये देखिए यहां पर सिर्फ 55 कर दिया, तब ये इंटीजर बताएगा। ये देख सकते हैं यहां पर इंटीजर ही आने वाला है। तो यहां पर देखिए क्लास इंट बता रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये किस किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर चेंज करता हूं, देखिएगा अब चेंज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ इस तरीके से लिखूंगा। जैसे मान लीजिए नाम का एक ऐसे सेट लिख दे रहा हूं, राम, फिर यहां पर डबल कोट्स में लिखा श्याम। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। राम श्याम लिख दिया, और भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया सोनू, तो ये लिख दिया सोनू। अब ये तीन नाम हमने इसमें टाइप कर दिया, अब इसको बंद कर दिया, अब इसको एक बार रन करवा लेते हैं। टाइप वो कीवर्ड है जिसकी मदद से हमें ये डेटा टाइप बताएगा पाइथन में। तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट नाम की क्लास बता रहा है, समझ में आ रही है बात। अगर यही चीज मैं स्मॉल ब्रैकेट में कर देता हूं तो ये टपल बताएगा। तो ये देखिए ये स्मॉल ब्रैकेट हुआ, जैसे स्मॉल ब्रैकेट किया तो ये बताएगा टपल। अब देखिए F5 करता हूं, यहां से इसको रन करो, तो ये टपल बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब इसमें डिक्शनरी करेंगे तब क्या होगा, डिक्शनरी डेटा टाइप कैसे होगा, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे तो वो डिक्शनरी डेटा टाइप बताएगा। डिक्शनरी डेटा टाइप में की और वैल्यू दोनों होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे किया। अब मान लीजिए इसी प्रोग्राम को, इसको मैं बंद करता हूं और इसको भी बंद कर देता हूं, और फिर एक बार जो जावा वाला प्रोग्राम बनाया इसको फिर एक बार यहां से रन करवाता हूं। ये रन करवाया, अब कह रहा है एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू एंटर करते हैं। ये स्ट्रिंग हो गई हमारी, नाम हमने एंटर कर दिया। अब कह रहा है इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर में मैंने क्या किया, 44.6। अगर मैं 44.6 एंटर करता हूं तो यहां पर आ जाएगा एरर, क्योंकि सेटिंग ऐसी की गई है कि यहां पर ये इंटीजर वैल्यू ही लेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, इंटीजर क्या होता है, प्लस या माइनस में होता है, और स्ट्रिंग सेट ऑफ कैरेक्टर होता है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।